जहां एक ओर सरकारें महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हैं, वहीं कई मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो प्रशासन और सरकार के सभी दावों की पोल खोल रहे हैं। ताजा मामला हरमाड़ा थाना क्षेत्र के रामपुरा गांव का है, जहां एक महिला को मारपीट और अभद्रता करने के एक मामले में न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। दरअसल रामपुरा गांव निवासी शंकरलाल प्रजापत ने ये मामला दर्ज करवाया था कि उनके बेटे की शादी में 10,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन 13 मई की रात को लक्ष्मण सिंह सहित एक दर्जन लोगों ने घर में घुसकर पैसों की मांग की और बेटे वैभव सहित पत्नी लाली देवी के साथ मारपीट करने लगे और साथ ही लाली देवी के साथ आरोपियों ने बदसलूकी भी की है। इस दौरान वैभव घायल हो गया और इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं जब इस मामले में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तो आरोपियों ने पीड़ित परिवार को धमकियां देना भी शुरू कर दिया। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इस मामले की कब तक सुध लेता है। मारपीट का मामला है, करवा दो। मैं तो लक्ष्मण सिंह आयो, लक्ष्मण सिंह को बेटा है मोहन सिंह और भवानी सिंह आयो और दिलीप सिंह आयो और 5-7 जना हो रहा है। और मान लो मेरे बेटे की बहू, मेरी घरवाली, मेरे बच्चों को सबको मार कूट के कपड़े फाड़ दिए और हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। मतलब SP गंज जाया, थाना में जाया, मतलब महिला आयोग में जाया, सब में जाया मेरे दरबार में, कोई मेरी सुनाई फोन कर रही थे साहब। आपको बता दें कि हरमाणा से खबर जहां पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगाता नजर आ रहा है और आरोपियों ने पीड़ित परिवार को धमकी भी दी है। आपको बता दें कि महिला से मारपीट का ये मामला सामने आया है, हरमाणा के रामपुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है और मारपीट और अभद्रता भी महिला के साथ यहाँ पर की गई है। लगातार पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाता नजर आ रहा है और इस मामले में ये देखना है कि प्रशासन इस मामले की कब तक सुध ले पाता है। हरमाणा से आपको खबर बता रहे रामपुर गांव का ये मामला सामने आया है, महिला के साथ मारपीट के साथ अभद्रता भी की गई है, बदसलूकी भी की गई है और साथ ही बाद में धमकी भी दी गई है इस पूरे पीड़ित परिवार को और पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन आरोपियों ने पीड़ित परिवार को धमकी भी दे डाली है। हरमाणा के रामपुर गाँव का ये मामला आपको बता रहे हैं।